यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज का जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है ज़हल पर, ज़हल के उभार पर अंगूठी का निशान। अब आप पूछेंगे ज़हल कौन सी उंगली होती है, किस उंगली को कहते हैं ज़हल? ये उंगली होती है, बीच वाली उंगली, ये इसके नीचे अंगूठी का निशान। अंगूठी के निशान से मुराद ये है कि इसके नीचे अगर खुदा न खास्ता इस तरह का एक रिंग बना हुआ है, ये इस तरह का अगर रिंग बना हुआ है ज़हल के नीचे, तो ऐसे अफराद रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा मायल होते हैं और तन्हाई पसंद होते हैं। इनको लोगों के बीच में उठना बैठना, बातें करना या महफ़लें करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऐसे जो लोग होते हैं रूहानियत की तरफ भी ज़्यादा मायल होते हैं, और ख़ुदा न खास्ता आप अगर इनके रास्ते में रोड़े अटकाएं या इनको रोकने की कोशिश करें या इनके मामलात में कोई रुकावट बनाएं, तो ऐसे अफराद ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं या ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ख़ुदा न खास्ता अगर ऐसा निशान किसी अजीज़ और उसके हाथ पे हो तो कोशिश करें कि उससे दूर ही रहें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना ये आगे चल के परेशानी बन सकता है। और सबसे बड़ी मनुष्यत इसमें यह है कि अगर किस्मत की लकीर इसके अंदर दाखिल हो जाए, किस्मत की लकीर इसके अंदर दाखिल हो जाए, जिस तरह के मैंने बनाकर आपको बताई है, अगर इस तरह की लकीर अंदर दाखिल हो जाए तो ये समझें कि इनका आने वाला वक्त बड़ा भयानक और बड़ा ही ख़तरनाक होगा। आने वाला वक्त बड़ा ही भयानक और बड़ा ही ख़तरनाक होगा और मुसीबत ज़दा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का जो आखिरी आयाम होते हैं, आखिरी दिन जो होते हैं ज़िंदगी के, ये बहुत ही मुश्किल में होते हैं, बहुत ही अजियत में होते हैं। और ऐसे अफराद अगर आपके इर्द गिर्द या आपके दोस्तों में इनमें उनमें हैं, तो कोशिश करें कि उनको बताएं ताकि वो पहले से इसका कोई हल और पहले से इसका कोई सलूशन निकालें। और इसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप कोशिश करें अपनी आदत, अपनी मिजाज को बदल दें। इस तरह का जो निशान होता है वो इंतहाई मनूस किस्म का निशान होता है, और ख़ुदा न खास्ता अगर ये निशान किसी औरत या लड़की के हाथ में हो तो उसके लिए समझें कि बेहतर होता है, और मर्द के लिए ये बिल्कुल बेहतर नहीं रहता, क्योंकि हर मामले में आखिरी वक्त इसका बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी में कटता है। और अगर किसी खातून के हाथ में इस तरह की अलामत है तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी के मर्द को होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारा आज का प्रोग्राम, और इस तरह की लकीरों को अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के हाथ में देखते रहिए, और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा खुशी होती जब लोग लकीरों के नाम लेकर, उभारों के नाम लेकर बताते हैं और सवाल करते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था उस मकसद में अल्लाह के फजल से कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सब्सक्राइब भी आप देख लें और व्यूज़ भी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा चैनल अल्लाह के फजल से बहुत आगे और बहुत बेहतर पोजीशन में चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। आलिया ने सवाल किया है अटक से कि मेरे हाथ में ज़िंदगी की लकीर पर ये जो निशान बना हुआ है ये क्या है और इसका क्या मतलब है? आलिया साहबा, आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर के ऊपर जो निशान बना है इसे हम पामिस्ट्री की ज़बान में जजीरा कहते हैं। आप हमारा चैनल पाबंदी से देखा करें, उसमें हमने जजीरे के बारे में बहुत कुछ बताया है। बहरहाल, ये जजीरा जो ना, ये अच्छी अलामत नहीं होता, ये चलती हुई ज़िंदगी को ब्लॉक कर देता है, रोक कर देता है, और कामयाबी को बिल्कुल बंद कर देता है, सेहत के हवाले से बिगाड़ पैदा करता है। कोशिश करें कि आप हज़्ब तौफीक सदका दें, उसके बाद तौबा इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह आप पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत होगी और कामयाबी नसीब होगी। राबील ने सवाल किया कनकोट से कि मैं जिसको पसंद करती हूँ क्या उससे मेरी शादी हो जाएगी, और शादी होगी तो शादी कामयाब भी होगी कि नहीं? आपकी शादी मुझे पसंद की नज़र नहीं आती, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी,
और अल्लाह के फजल से आपके हाथ में कामयाबी की लकीर के ऊपर दो तीन लकीरें चल रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में दौलत और कामयाबी दोनों नसीब होंगी। हिना फिरदौस ने सवाल किया है इंडिया से कि हमारे मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं, ये बताएं कि हमारे हालात कब अच्छे होंगे। हिना साहिबा, अल्लाह के फजल से आपके हाथ में कामयाबी की जितनी गहरी लकीर मौजूद है, बहुत कम हाथों में इतनी गहरी लकीर होती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के चांस हैं। बहरहाल आप कोशिश करें कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन जो है, इसको एक तस्बीह पढ़ लिया करें ताकि आपकी मुश्किलें दूर हों। राबिया ने सवाल किया है रहीम यार खान से कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी, और शादी कैसे रहेगी। आपकी शादी अपनों में होगी, शादी अरेंज मैरिज होगी, शादी कामयाब रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी अल्लाह के फजल से बेहतर होगी। राना वसीम ने सवाल किया लाहौर से कि मेरे हाथ की लकीरों में देखें सब अच्छा है, अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो मुझे बताएं। आपका हाथ अल्लाह के फजल से वाकई बहुत अच्छा है और आपके हाथ में दिल की लकीर भी काफ़ी लंबी है, ऐसे लोग वफादार होते हैं। एक खामी आपके अंदर है कि कोशिश करें कि गर्म चीज़ों से अपने को बचाएं, जिस्माना गर्मी आपको नुकसान दे सकती है। सदाम हुसैन ने सवाल किया दादू से कि हालात बहुत ख़राब हैं, ये बताएं कि हमारे हालात में बेहतरी कब आएगी। प्यारे दोस्त दादू, जून जुलाई आपके लिए अच्छा होगा, उसके बाद आने वाले जो माह हैं उनमें काफ़ी बेहतरी के आसार हैं। कोशिश करें प्यारे भाई, आप जितना हो सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है इसकी तस्बीह पढ़ा करें, इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी। मोहम्मद अली साहब ने सवाल किया लाहौर से कि मेरे हाथ में देखकर बताएं कि जो बिज़नेस में कर रहा हूँ इसी में कामयाबी मिलेगी, या कोई दूसरा बिज़नेस करूँगा उसमें कामयाबी मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपका हाथ तो माशाल्लाह शुरू से अच्छा है और शुरू से आपका लक भी बेहतर है, और वक्ती तौर पर छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, इसका टेंशन ना लें। कोशिश किया करें कि परिंदों को बाजरा ज़रूर डाल दिया करें वास्ते अल्लाह के। आज दिन तक आप किसी चीज़ में नाकाम नहीं हुए और अल्लाह के फजल से आगे भी मुझे नाकाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब्दुल्ला सियालकोटी ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मैं मुल्क से बाहर कब जाऊंगा। अब्दुल्ला सियालकोटी साहब, आपके हाथ में सफ़र की 5 लकीरें मौजूद हैं, 5 सफ़र आप करेंगे। सफ़र का जो आगाज़ है 2023 से होगा और उसके बाद जनी पे दर पे सफ़र आने के चांस मौजूद हैं। KKS ने सवाल किया क्वेटा से, क्या मैं दौलतमंद बन जाऊंगा, मेरी किस्मत अच्छी है। KKS साहब, हमें हाथ वो लोग दिखाते हैं कि जिनकी किस्मत अच्छी ना हो या जिनके दीगर हालात अच्छे ना हो। आपके ऊपर तो अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत है, और किसी चीज़ की अल्लाह ने ना पहले कमी दी है और ना आने वाले वक्त में मुझे कोई कमी होती हुई नज़र आ रही है। आप कामयाब हैं और इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। दुआ मलक ने सवाल किया सरगोधा से कि हम लव मैरिज करने जा रहे हैं, हम दोनों के घर वाले राज़ी नहीं हैं, ये बताएं कि हम कामयाब रहेंगे या नहीं। आपके हाथ की लकीरों के मुताबिक अल्लाह के फजल से कामयाब रहेंगे। बहरहाल अगर अपने बुज़ुर्गों से रहनुमाई ले लेते तो बरकत भी होती, खुशहाली भी होती और ज़िंदगी भी बेहतर गुजरती। काशिफ ने सवाल किया है लाहौर से कि ये बताएँ कि कभी मैं अमीर आदमी बनूँगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनेंगे, आप मेहनती हैं और आप अल्लाह के फजल से पहले भी कामयाब थे और अब भी आने वाले वक्तों में आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नौरीन ने सवाल किया है गुजरात तो कि ए दसो कि मेरे आने वाली ज़िंदगी कैसी रहेगी, आने वाली ज़िंदगी भी कुछ बेहतर होएगा या नहीं। नौरीन प्यारियत ये, अल्लाह के फजल ना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरा मुकद्दर बहुत अच्छा है, तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह ताला तेनु पहले भी कामयाब किया है तो हुण आने वाले वक्तों में भी तू कामयाब रहेंगी और ज़िंदगी तेरी बेहतर तरीके ना गुजरेगी इंशाल्लाह। साकिब अली ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई सफ़र की लकीर है या नहीं। अल्लाह के फजल से आपके हाथ में सफ़र की 2 लकीरें हैं और इंशाल्लाह 2023-24 में सफ़र के चांस भी हो सकते हैं। राहुल ने सवाल किया इंडिया गुजरात से, ये बताएँ कि मेरी शादी होगी और शादी कामयाब भी रहेगी कि नहीं। आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं मगर शादी में प्रॉब्लम रहेगा, कोशिश करें कि उससे पहले अपनी आदत और अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसरार आसफ़ ने सवाल किया है गुजरात तो, ए दसो कि मेरे हाथ में कोई सफ़र की लकीर है या नहीं। इसरार साहब, तुहाड़े हाथ में सफ़र दी 2 लकीर ने,
तो पहला सफ़र तुहानू हो सकता है 2023 या 2024 नू आए, तो उस तो बाद एक सफ़र तुहाडा होर हैगा। उस सफ़र के बारे तो मैं ये कह सकना वह नेकी का सफ़र हो सकता है, अज उम्र का सफ़र हो सकता है, दीगर कोई सफ़र तुहानू आ सकता है। राबिया जबी ने सवाल किया राजवाड़ी से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और मेरा शोहर कैसा होगा और मेरा लक कैसा है। आपका लक अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है और आपकी शादी कामयाब रहेगी। शोहर जो ना मोहब्बत करने वाला और कारोबारी होगा। सैयदा कहकशां बुखारी ने लाहौर से सवाल किया है कि मैंने अपनी बच्ची की शादी करवाई थी लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स शादी शुदा है, उसके बाद हमने खुला की दरख्वास्त दी, वो हो गया मामला और हो रहा है, लेकिन दूसरी शादी जो है ना वो नहीं हो पा रही। ये बताएं कि वो शादी कब तक होगी। शादी 2022 और 23 में होगी और इंशाल्लाह शादी कामयाब रहेगी, ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरेगी और आने वाला वक्त भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। शादी में जो रुकावट है ये सितारों के हिसाब से प्रॉब्लम है, बाकी कोई मसला नहीं है। दयाराम ने सवाल किया है मीरपुर खास से कि ये बताएं कि मैं कामयाब रहूँगा या नहीं। अल्लाह के फजल से आपके हाथ की लकीरें बहुत अच्छी हैं, आप शुरू ही से कामयाब हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद कामयाबियां, शोहरत और नाम आपका होगा इंशाल्लाह। अली ने सवाल किया चनेट से कि मैं 13 साल से एक लड़की से मोहब्बत करता हूं, ये बताएं कि वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अली साहब, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अरेंज मैरिज कर लें। मोहब्बत की शादी अगर खुदा न खास्ता हो भी गई तो उसमें कामयाबी के चांस नज़र नहीं आते। सैफ बशीर ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में सफ़र की लकीर कैसी है और सफ़र है या नहीं। आपके हाथ में सफ़र की लकीर बहुत बेहतर लकीर है और सफ़र इंशाल्लाह आपको आएंगे और सफ़र में आपको कामयाबी मिलने के भी चांस हैं। राना उस्मान ने सवाल किया फूल नगर से कि मैं बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये बताएँ कि मैं बिज़नेसमैन बनूँगा या नहीं। प्यारे दोस्त, बिज़नेसमैन तो ज़रूर बन जाएंगे, इसके लिए आपको कोशिश मेहनत और जद्दोजहद करनी होगी, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जो बंदा सोचता है अल्लाह उस पर रहम करता है और वो कामयाबी नसीब होती है उसका। वकास अब्बासी ने सवाल किया मरी से कि ये बताएं कि हालात कब बेहतर होंगे। वकास अब्बासी साहब, आपके लिए 2021 का लास्ट यानी 11वां और 12वां माह जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा और आपके हालात इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगे और हालात में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। जी एस खान ने सवाल किया अटक से कि ये बताएँ कि मेरी शादी कामयाब रहेगी या नहीं। आपके हाथ की लकीरों के मुताबिक आपके हाथ में जो शादी की लकीर है इंशाल्लाह बेहतर है और ऐसी शादियां अमूमन कामयाब होती हैं और ऐसी शादियों से किस्मत और तकदीर भी बदल जाया करती है। सैयद बख्त हैदर ने सवाल किया यूके से कि ये बताएं कि मेरी कितनी ज़िंदगी यूके में गुजरेगी और कितनी ज़िंदगी पाकिस्तान में। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है आखिर में दो शाखा है, ऐसे अफराद जो हैं इनकी आधी ज़िंदगी बैरूनी मालक में गुजरती है और आखिरी आयाम अपने मुल्क में गुजरता है और अपने ही मुल्क में इनका एंड भी होता है। शफीउल्लाह ने सवाल किया स्वाद से कि मेरे हाथ में शोहरत और दौलत है या नहीं। शफीउल्लाह साहब, आपके हाथ में कामयाबी भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, लेकिन दिमाग, ज़िंदगी और दिल की तीनों लकीरें मिल के चल रही हैं। इससे मुराद ये होती है कि आप कोशिश करें कि अपने आप को दुश्मनों से और दुश्मनी से बचाएं, इसी में आपकी बेहतरी है, क्योंकि ऐसे अफराद खुद अपने माहौल के हिसाब से अपने दुश्मन खुद बनाते चले जाते हैं, जो बज़ाहिर इनके दोस्त होते हैं लेकिन अंदर से दुश्मन होते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।